दोस्तों बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर साल करोड़ों लोग फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन देने आते हैं और कहा जाता है कि बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए आपके पास बेइंतहा पैसा और मोटा बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए बहुत ही स्मार्ट दिमाग लेकर आते हैं, जो अपने जिस्म से दूसरों की गर्मी बुझाकर फिल्मों में रोल पा लेते हैं। ऐसे में लड़कियां डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फेमस एक्टर के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाती हैं, तो वहीं लड़के करण जौहर जैसों के साथ। ऐसी बात नहीं है कि सबका करैक्टर ऐसा ही होता है, लेकिन 80-90% बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी ही है। जैकलिन फर्नांडिस आपको दिखने में बहुत ही क्यूट, ब्यूटीफुल और काफी अट्रैक्टिव लगती होंगी, और आप में से जैकलिन काफी लोगों का ख्वाब भी होंगी। लेकिन इस भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माने वाली लड़की के पर्दे के पीछे की जिंदगी के बारे में जब आप जानेंगे, तब आप जैकलिन को कुछ खास पसंद नहीं करेंगे। और आज की वीडियो को देखकर आपको लाइफ के बारे में काफी अच्छा लेसन सीखने को मिलेगा कि कभी भी किसी की शक्ल देखकर उसके करैक्टर को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की शक्ल पर उसके कर्मों का इतिहास नहीं लिखा होता। वैसे अगर आप इंडियन सिनेमा के बारे में दिलचस्प खबरें जानना चाहते हैं, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इंडियन सिनेमा से जुड़ी खबरें आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। दोस्तों जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका के कोलंबो स्टेट में पैदा हुई थी और इन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की एजुकेशन कोलंबो से ही की थी। इसके बाद वह विदेशों में पढ़ाई करने चली गई। वह अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद श्रीलंका वापस आ गई और आकर मॉडलिंग करने लगी। साल 2006 में इन्होंने मिस श्रीलंका बनने का खिताब पाया और इसीलिए इनको श्रीलंकन ब्यूटी भी कहा जाता है। अपने मॉडलिंग के समय में जैकलिन का चक्कर ब्राइन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा के साथ था। मिस श्रीलंका का खिताब पाने के बाद जैकलिन के पास कुछ म्यूजिक एल्बम्स और मीडिया में काम करने के ऑफर्स आए। कुछ टाइम वहां काम करने के बाद साल 2008 में यह भारत आ गईं और बॉलीवुड में फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन देने लगी। जैसे तैसे करके इनको अलादीन फिल्म में एक्ट्रेस बनने का मौका मिला, जिसमें इनके साथ रितेश देशमुख, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त जैसे एक्टर थे। लेकिन जैकलिन की ये मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। यहाँ तक जैकलिन को ऑडियंस से लेकर फिल्म मेकर्स ने किसी ने टके के भाव नहीं पूछे। मगर फिल्म में रितेश के साथ शूटिंग करते करते जैकलिन को पता चला कि रितेश देशमुख कितने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। तब जैकलिन अपनी भोली सी सूरत से चालाकी बिखेर कर रितेश के साथ रिलेशन में आ गई, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद रितेश के रेफरेंस से उनको एक और मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था जाने कहां से आई है। लेकिन इनकी ये मूवी भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। इस मूवी के फ्लॉप होने के 5 साल बाद इनकी मुलाकात साजिद खान से हुई। साजिद ने जैकलिन को हाउसफुल में एक आइटम सॉन्ग करने का मौका दिया, जिसका नाम था धन्नो। उस गाने को करने के बाद लोगों ने इनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और बॉलीवुड में इनके चर्चा होने लगे। इस गाने को करते करते जैकलिन को पता चला कि साजिद खान कितने बड़े और पहुंचे हुए डायरेक्टर हैं। तब ये साजिद खान के साथ रिलेशन में आ गईं, जिसकी वजह से इनको एक और मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था मर्डर 2। ये मूवी इनकी सक्सेसफुल साबित हुई और इसमें बोल्ड सीन देने की वजह से ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गईं। साजिद खान जैकलिन के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके थे कि हाउसफुल 2 में साजिद ने जैकलिन को लीड रोल में रखा और ये मूवी भी जैकलिन की सुपर हिट साबित हुई। इस मूवी के बाद साजिद जैकलिन से शादी करना चाहते थे, लेकिन जैकलिन की डिमांड थी, जब तक मैं सक्सेसफुल हीरोइन नहीं बन जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। फिर साजिद ने अब्बास मस्तान से दोस्ती के नाते रेस 2 में जैकलिन को कास्ट करने की सिफारिश की। अब्बास मस्तान इसके लिए मान भी गए और इनकी रेस 2 भी सक्सेसफुल मूवी की लिस्ट में जगह बना लेती है। लगातार 3 मूवी हिट देने के बाद जैकलिन के तेवर बढ़ने लगे और साजिद से दूरी बनाने लगी, क्योंकि जैकलिन शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये तो गोल्ड डिगर की क्वीन है क्वीन। साजिद खान से दूरी बनाने के बाद ये साजिद नाटियावाला के करीब जाने लगी, क्योंकि साजिद नाटियावाला का नाम बॉलीवुड में साजिद खान से भी ज्यादा है। साजिद नाटियावाला डायरेक्टर के साथ साथ राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। इनके साथ रिलेशन में आने के बाद जैकलिन को बॉलीवुड के भाईजान या बॉलीवुड में काम दिलाने वाली चाबी के साथ किक में काम करने का मौका मिलता है। और अब साजिद नाटियावाला को छोड़कर जैकलिन अपने भाईजान हमारे भाईजान पर डोरे डालने लगती हैं। अब क्योंकि सिर्फ ऐश्वर्या राय को छोड़कर सलमान खान को हमेशा विदेशी आइटम ही पसंद आता है, तो अब वह जैकलिन को कैसे छोड़ सकते थे और जैकलिन भी सलमान के नजदीक आने का मौका कैसे छोड़ सकती थी। तब इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और बदले में सलमान खान इनको बॉलीवुड में धे धनाधन फिल्मों में काम दिलवाते रहे। इसके अलावा ब्रदर्स मूवी की शूटिंग के दौरान इनका अफेयर अक्षय कुमार के साथ भी चला था,
और ए जेंटलमैन में काम करते वक्त ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी रिलेशन में आई थी। ए जेंटलमैन के एक सीन में इनको किस करना था और डायरेक्टर के बार बार कट बोलने के बाद भी ये किस करना एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, जिसके बाद पता चला कि इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध है। और अब आपको एक बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जैकलिन की नेटवर्थ 107 करोड़ 53 लाख रुपए है। इसके बावजूद भी लॉकडाउन से पहले इनके पास अपना खुद का कोई घर नहीं था। ये जिसके भी साथ चक्कर चलाती थी उसी के साथ उसी के घर में लिविंग में रहती थी। लॉकडाउन में 6 महीने जब ये सलमान खान के साथ उनके फार्म हाउस में रही थी, तब सलमान खान ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद बदले में जैकलिन को 1 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया था। और जैकलिन के ये काले करतूतों के राज तब खुले थे जब इनके फोटोज सुकेश चंद्रशेखर के साथ वायरल हुए थे। सुकेश चंद्रशेखर एक नंबर का फ्रॉड आदमी है जो आज 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में जेल में है। पता चला था कि सुकेश ने जैकलिन के ऊपर 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में ऐसी काफी सारी एक्ट्रेस हैं जो ऐसे काम कर एक मुकाम पर पहुंची हुई हैं आज, लेकिन इस मामले में जैकलिन टॉप पर हैं। क्यों? अब क्या कहना चाहेंगे आप जैकलिन फर्नांडिस के बारे में? आप हमको कमेंट में बताना, और वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।